स्टार और कलाकर में आपका स्वागत है। मनोरंजन की सभी चीजों के लिए अंतिम गंतव्य, चाहे आप फिल्म के शौकीन हो, संगीत प्रेमी हो या प्रदर्शन कला के प्रशंसक हो, आप सही जगह पर आए हैं। प्रियंका अरुण मोहन एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तमिल और तेलुगु फिल्म उद्योगों में काम करती है। उनका जन्म 16 जून 1999 को चेन्नई, तमिलनाडु, भारत में हुआ था। प्रियंका ने चेन्नई के SBOA स्कूल और जूनियर कॉलेज से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर सविता इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रियंका ने अभिनय में करियर बनाने का फैसला करने से पहले कुछ समय के लिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किया। 2019 में उन्होंने तमिल फिल्म गैंग लीडर से अभिनय की शुरुआत की, जहां उन्होंने प्रिया की भूमिका निभाई। हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन प्रियंका के प्रदर्शन पर ध्यान दिया गया और उन्हें अपने काम के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। उन्हें बड़ी सफलता 2020 में मिली जब उन्होंने तेलुगु फिल्म नानीज गैंग लीडर में महिला प्रधान भूमिका निभाई। फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी और प्रियंका के प्रदर्शन की व्यापक रूप से सराहना की गई थी। उन्होंने फिल्म में अपने काम के लिए जी सिने अवार्ड्स तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। प्रियंका ने उसी वर्ष तमिल फिल्मों माय कदवुले में अभिनय किया, जहां उन्होंने मीरा का किरदार निभाया। फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी और प्रियंका के प्रदर्शन को एक बार फिर समीक्षकों और दर्शकों द्वारा सराहा गया। 2021 में प्रियंका को तेलुगु फिल्म चेक में देखा गया था, जहां उन्होंने अली रजा की प्रेमिका का किरदार निभाया था। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन प्रियंका के अभिनय की एक बार फिर सराहना हुई। अपने अभिनय करियर के अलावा प्रियंका एक प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना भी है और 4 साल की उम्र से भरतनाट्यम सीख रही है। वह एक फिटनेस उत्साही भी है और अक्सर अपने वर्कआउट की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती है। कुल मिलाकर प्रियंका अरुण मोहन को दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे होनहार युवा अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है और आने वाले वर्षों में बड़ी सफलता हासिल करने की उम्मीद है। स्टार और कलाकार देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलें और मनोरंजन की दुनिया में सभी नवीनतम समाचारों और समीक्षाओं के साथ अप टू डेट रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। ऐसा न करें, अधिसूचना घंटी को दबाना भूल जाएं ताकि आप कभी भी कोई अपडेट न चुके और हमेशा की तरह एक सितारे की तरह चमकते रहें और अपने रास्ते में आने वाली अधिक रोमांचक सामग्री के लिए बने रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं।